वो हमारे लोग शहीद कर रहे हैं और हम उनकी फिल्में अपने सिनेमा हॉलों में दिखा रहे हैं। सुनते जाइए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली अपनी एक स्पीच में ये पाकिस्तान का नाम लिए बगैर पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा, सुनते जाइए, कि हमारा वो हमसाया जो कभी आतंक का सप्लाई करता था आज वो आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। और हम पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देंगे जो नरेंद्र मोदी के अल्फाज है। तेरा बाप हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। कोई नहीं सकता, कोई नहीं सकता, कोई नहीं सकता। अब अगर जंग करते हैं तो हम एटमी हथियार फायर कर देंगे तो पाकिस्तान की जगह एक इतना बड़ा सा गड्ढा रह जाएगा। चाइना में लोड शेडिंग शुरू हो गई है बिजली की, सुनते जाइए, इंडिया में बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। मैं कब हो गया ये? हमारे इलाके मुसलमान जो हैं दुनिया में सबसे पहले नंबर पे हैं। अच्छा, मुसलमान अगर आपस में हम सब लोग जो हैं जितने ममालिक हैं ना मुसलमान के, हम लोग इत्तफाक कर लें ना आपस में, ओके, तो हमारे से जो ये मुसलमान कौम है ना दुनिया में इस वक्त पहले नंबर पे हो। मैं अगर लड़का होती तो एक ही चीज बोलती, अच्छी मेरा। ये जो गवाले हैं ये दूध में पानी मिलाते हैं, माल बेचते वक्त तराजू में हेर फेर करना, अच्छा माल दिखाकर खराब बेचना, मस्जिदों से जूते चुराने वाली कौम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। क्या वजह है कि हम हमारे पे दुनिया क्यों हंस रही है आज? दुनिया मतलब हम किसी के पास जाते हैं तो वो पहले ही समझ जाते हैं कि शायद ये हेल्प के लिए, एड के लिए या किसी इस तरह के काम के लिए आया होगा। जो हमारे साथ जिसने सफर स्टार्ट किया 1947 में इंडिया ने, हमारा टॉपिक भी बेसिक यही रहता है कि इंडिया आज यहाँ पे चला गया और हमें भी सीखना चाहिए, हमें भी देखना चाहिए। मुझे बताएं, उन्होंने सफर स्टार्ट किया, आज वो लोग हमें ये कह रहे हैं, और वो मेरे ख्याल से आटे वाली बात क्या मतलब जो उन्होंने की है, क्या वजह है उसकी कि वो आज कहाँ पे चले गए दुनिया की पांचवी बड़ी इकॉनमी बन के? आज उनके जो प्राइम मिनिस्टर है वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। हम कदम कदम पे साजिशों का जिक्र करते हैं, इसकी वजह क्या है? माचिस की डिबिया से छोटा इंग्लैंड था, सुनते जाइए, जिसने पूरे बर्रे सगीर पे इसमें से हजार इंग्लैंड निकलते कब्जा कर लिया, और हम ये कह के निकल जाते हैं साजिश तो तुम कर लो साजिश। well done, well, well done. पाकिस्तानी अपने आप को बहुत जज्बे वाली कौम बताते हैं, अपनी आर्मी को सबसे ज्यादा जज्बे वाली आर्मी बताते हैं, दुनिया में नंबर वन आर्मी बताते हैं, द बेस्टेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड पाकिस्तान आर्मी। हमारी आर्मी जो है वो स्ट्रांग है, दुनिया में नंबर वन है। ये इंडिया बहुत आगे निकल चुका है, नहीं निकल सकता फिर भी नहीं। आपको पता है हमारी पाक आर्मी पूरी दुनिया में नंबर वन है? तो पता है हमारी पाक आर्मी पूरी दुनिया में नंबर वन है। इनकी नंबर वन आर्मी को टीटीपी वाले घसीट घसीट के मार रहे हैं। कोई नहीं सकता, नामुमकिन है, रुकिन है। अब ऐसी सिचुएशन है, अब जरा सोचें कि कहां आपको नजर आ रही है सूरत हाल। छतरल दोस्तों, पाकिस्तान में जगह है छतरल, जहां पाकिस्तान की हो गई है छतरल, यानी कि छतर परेड, जिसको सेना में बोलते हैं छतर परेड हो गई उसकी। टपाटा सुनते जाइए, और हम पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देंगे जो नरेंद्र मोदी के अल्फाज है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो फिर आप पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को कौन सा फालिज हो जाता है कि वो ये जवाब नहीं दे सकता इंडियन प्राइम मिनिस्टर? इसके ऊपर बाइस फखर है। लेकिन यह कि हमारे में इत्तफाक नहीं है, हम लोग इस्लाम से दूर हो गए हैं। जिस वक्त हम इस्लाम से दूर हो जाएंगे ना, मसल्ले पे आ जाएंगे ना, तो देखिएगा फिर हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। अल्लाह पाक की ताकत जब हमारे साथ हो चुकी तो हमें कोई ताकत नहीं हरा सकती। पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों के हमले, आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों ने दो फौजी चौकियों को जदीद हथियारों से निशाना बनाया। ये कह दिया जाता है नहीं कुछ नहीं हुआ, गिलगित बल्तिस्तान में नहीं कुछ हो ही नहीं रहा, सती खैर सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक, दूध की और शहद की नहरें जो बहती रहती हैं, और फिर जब मामला हाथ से निकलने लगते हैं तो फिर जो है हमारे पास खबरें पहुँचना शुरू होती है। जो आपका हुक्मरान है जब तक वो बंदा आजाद नहीं होगा, अपने ख्यालात से इंप्लीमेंट नहीं करना चाहेगा, सर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह अल्लाह, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ठीक है, इंडिया से ज्यादा आपके पास वसाइल है, यू आर द एटॉमिक पावर। वो तो इंडिया भी है ना, आप भी हैं। उसकी आबादी कितनी है? उनकी 1 अरब 40 के। आपकी कितनी है? हमारी टोटल 25-26।
जितने आपकी 25-26 है ना, इसके अंदर दूसरे मजाहब भी तो है। लेट्स सपोज उधर भी है ना, लेट्स सपोज पाकिस्तानी यहाँ पे मुसलमान जो है वो 20 करोड़ अगर हो, आपको पता है 40 करोड़ मुस्लिम्स आर इन इंडिया, ऑलमोस्ट 30-40 के राउंड बोर्ड, जो ये तो एक देखने वाले जरूर बताइएगा, बहुत से लोग मान रहे हैं। मेरे फिगर्स वो हो सकते हैं बट लेकिन आपका कहने का मतलब है काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा वहाँ पे है वो एक्चुअली। अब उस पार्ट का वो उस पूरी स्टेट में उसकी स्टेट का हिस्सा है ना, सही है। तो अगर एक पोस्ट पे मौजूद है, अगर एक अरब आबादी वाला बंदा मतलब मुल्क वो एटमी पावर है और यहाँ पे 25 करोड़ आबादी वाला मुल्क भी एटमी पावर है, विच मीन्स कि अल्लाह पाक ने आपको नवाजा है ना। ठीक है, नहीं वो तो यूके की आबादी हमारे से कम है, वो भी एटॉमिक पावर है, तो क्या उन्हें भी अल्लाह पाक ने नवाजा है फिर? देखें इंसान का ये है ना, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी इसराइल की आबादी कितनी है और वो टेक्नोलॉजी में आप भी पता है कि दुनिया में कहां सर, यही तो चीज है, टेक्नोलॉजी ही तो है। आपके आप फेसबुक यूज करते हैं जी, देखता आप हूं। चले जाएं देहातों में हर बंदा फेसबुक चलाता है, ठीक है, उनके बच्चे भी फेसबुक चलाते हैं, अभी टिकटॉक का ट्रेंड चल रहा है, वो दूसरे स्नैप चल रही है, ये सारा कुछ यूट्यूब वगैरह वीडियो बना रहे हैं लोग, चैनल बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं जी। YouTube से पैसा कमा रहे हैं, Facebook तो पाकिस्तान में मोनेटाइज ही नहीं है, और भी Twitter वैसे बैन कर दिए, चीजें हैं। आप लोग ना इसको यूज कर रहे हो, कभी आपने सोचा कि हम खुद ही बना ले? हाँ, मैं तो खुद ये कहता हूँ कि भाई एक साइड पे हम कहते हैं यहूदी, ये काफर, ये पता नहीं क्या क्या हमने नाम रखे हैं, ये सारे पाकिस्तान के, ये सारे मुसलमानों के खिलाफ है, दुश्मन है। दूसरी साइड पे हम सारी एप्स उनकी यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी उनकी यूज करते हैं, कैमरा उनका यूज करते हैं, माइक उनका यूज करते हैं, इवन कपड़े भी हम उनके ही पहनते हैं, मतलब ब्रांड के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। आप गूगल अप अलाउड है चाइना के अंदर? नो, अच्छा, दे हैव देयर ओन ब्राउजिंग सिस्टम, ठीक है, व्हाट्सएप भी नहीं है, मतलब इमो भी नहीं है, डिफरेंट साइट्स है, नहीं है, उन्होंने अपनी बनाई है। They are their superpowers, which means उन्होंने rely नहीं किया। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं किया कि let's suppose हमने Google नहीं use करना तो हमने और भी कुछ नहीं use करना, उन्होंने उसके मुकाबले में अपनी app बनाई है। Exactly. हम क्या करते हैं, हम कहते हैं Twitter अगर ban करना बस कर दो ठीक है, उसके मुकाबले में या तो कोई app बनाए ना। भाई जब तक हम ये चादर ओढ़ के सोए रहेंगे ना, ठीक है, इसकी के यार जो भी होगा अल्लाह ही करेगा, हम तो मुसलमान है, पैदा हो गया, ठीक है, सारा कुछ हो गया, मतलब ये कुछ नहीं होना जब तक इंसान हर बंदा अपनी एफर्ट नहीं करेगा, एफर्ट पुट नहीं करेगा, ये नहीं हो सकता, ठीक है, दैट्स द पॉइंट। गुर्बत कुछ नहीं है, मुझे आप बताएं आज पेट्रोल 300 रुपए का है, लोग मर गए, प्लस है, जब 100 का था लोग नहीं मरे। ये देखें यहाँ पे मैं वैसे मजा आ रहा था आपसे बात करके अभी प्यारे, लेकिन इस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ कि भाई 300 का गया लोग मरे, वो तो 600 का भी हो जाएगा, तो आपके लोगों ने क्या, जब लेट्स सपोज अभी ऐलान हो जाता है पेट्रोल 600 रुपए लीटर है, तो क्या लोग खुशी के पीछे रीजन है ना, इसके पीछे रीजन है, जब पेट्रोल 100 का था, देखिये मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ या वो नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं, एक मैं हकायक पे बात कर रहा हूँ, वैसे इकोनॉमिक मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, बट मतलब हर बंदे की अपनी राय होती है, जनरल ओपिनियन जी, जनरल ओपिनियन है। उसमें आप ये देखें, फॉर एग्जांपल जब पेट्रोल 100 रुपए का था तो आपकी सैलरी भी तो 20,000 थी ना, ठीक है, अब आपकी सैलरी 80,000 है तो पेट्रोल 300 रुपए का है। अच्छा, तो ये जो फिगर्स है ना, ये अप्स एंड डाउन है। मैं मानता हूँ कि हुकूमत को ये सारा कुछ करना चाहिए। और हाँ, जिसने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे, जिसने कमेंट नहीं किया वो कमेंट भी कर दे, और जिसने शेयर नहीं किया तो भाई तुम्हारे को फिजा खलीफा की कसम है, शेयर करे बिना मत जाना। चीटिंग 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 करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।